क्राइसिस पर आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल रहे। बैठक के लिए कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने कोल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था। वहीं अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ यानी कि AIPEF के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। वहीं AIPEF के प्रवक्ता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होती है। देश भर में तेज गर्मी के बीच इस हफ्ते में पीक पावर सप्लाई 3 बार रिकॉर्ड लेवल तक पहुंची। पीक पावर सप्लाई ने 26 अप्रैल को रिकॉर्ड 201.65 गीगावाट के लेवल को छुआ है। इसके बाद 28 अप्रैल को 204.65 गीगावाट का नया रिकॉर्ड बनाया और 29 अप्रैल को 207.11 गीगावाट के ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच गई। 27 अप्रैल को ये 200.65 गीगावाट थी और 25 अप्रैल को 199.34 गीगावाट थी। पिछले साल 7 जुलाई को पीक पावर सप्लाई 200.53 गीगावाट रही थी। वहीं भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से करता है। देश में कोयले से चलने वाले 150 बिजली के प्लांट्स हैं। पिछले दिनों बिजली संकट गहराने पर बिजली प्लांट्स तक कोयले से जाने वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने ट्रेनों के 670 फेरे रद्द किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।